हाय फ्रेंड्स, आई मयूर साळवणकर। तो आज हम देखेंगे लिक्विड रिमिक्स 9.1.5 ऑन MI1 रिव्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लिक्विड रिमिक्स रोम डाल दिए 9.1.5। तो इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन 8.1 मिलता है और 5th अगस्त का सिक्योरिटी पैच मिलता है और डिफॉल्ट कर्नल मिलता है। देखिए, फिर इसमें आपको मॉडिफाइड पिक्सल लॉन्चर मिलता है, जिसमें आप होम स्क्रीन, ऐप ड्रावर, ऐप आइकॉन्स और मिसलेनियस को कस्टमाइज कर सकते हैं। डबल टैप टू ऑफ मिलता है, फिंगरप्रिंट में ठीक ठाक स्पीड है, बाकी सब आपको कस्टमाइजेशंस लिक्विड लाउंज में मिलता है। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन मिलते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है जेस्चर। जैसे जेस्चर में जाएंगे तो यहाँ आपको जेस्चर एनीवेयर का ऑप्शन मिलेगा, फिर थ्री फिंगर स्वाइप फॉर स्क्रीन शॉट मिलेगा, स्क्रीन ऑफ बटन, फिर स्वाइप अप फॉर जेस्चर नेविगेशन, स्टेटस बार, लॉक स्क्रीन, फिर AOSP जेस्चर्स में स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन, स्वाइप फिंगरप्रिंट लेफ्ट और राइट टू डिसमिस नोटिफिकेशन और जंप टू कैमरा, फिर कार्बन सेटिंग्स, फिर लॉक स्क्रीन में लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स, फॉन्ट ऑप्शंस, क्लॉक स्टाइल, डेट स्टाइल, मीडिया कवर आर्ट, बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी लॉक स्क्रीन में आपको वेदर ऑप्शंस और उसका आइकॉन पैक चूज करने को मिलेगा। फिर मिसलेनियस सेटिंग्स में ऐप सर्कल बार, स्क्रोलिंग कैची, स्क्रीन ऑफ एनिमेशंस, एंड्रॉइड पे एनिमेशंस, फिर CPU यूजेज। देखिए, ये ऑप्शन आपको डेवलपर ऑप्शन में मिलता है, पर यहाँ पे मिल जाता है। फिर अलार्म, सस्पेंड एक्शंस, वेव लॉक और ऐप ऑपरेशंस। फिर आपको नेविगेशन में नेविगेशन बार के सारे सेटिंग मिलते हैं और बटन्स में बटन के सारे सेटिंग मिलते हैं। फिर नोटिफिकेशंस में नोटिफिकेशन साउंड्स, 461 नोटिफिकेशन और सब नोटिफिकेशन के सेटिंग्स, फिर हेड अप के सेटिंग्स, फिर बैटरी नोटिफिकेशंस, फिर पावर मेनू में, पावर मेनू में कौन से ऑप्शन चाहिए यह आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर क्विक सेटिंग्स में यह सारे ऑप्शन मिलते हैं। फिर रीसेंट पैनल, देखिए मेमोरी बार एनेबल कर सकते हैं, फिर स्लिम रीसेंट्स ला सकते हैं, फिर ओमनी स्विच भी मिलता है यहाँ पे आपको, ओमनी स्विच यहाँ पे मिलता है, ओमनी स्विच की सेटिंग भी मिलती है। फिर स्टेटस बार, यहाँ पे स्टेटस बार सबसे नीचे दिया गया है, नॉर्मल स्टेटस बार सबसे ऊपर होता है, यहाँ पे सबसे नीचे है। फिर स्टेटस बार में स्टेटस बार आइकॉन्स, बैटरी आइकॉन्स, शो परसेंटेज, नोटिफिकेशन टिकर, ये सारे सेटिंग्स मिलते हैं। फिर बैटरी बार, करियर, क्लॉक, इतने सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं आपको इस रोम में। तो इसका बैटरी बैकअप कैसा है? देखिए, मुझे इसमें 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिला, काफी अच्छा बैटरी बैकअप है। ये रोम बहुत स्टेबल है, देखिए जियो के कॉल्स भी लगते हैं एकदम ठीक तरह से। देखिए, जियो के कॉल्स भी लगते हैं, कोई वोल्ट का ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी लिक्विड लाउंज की रिव्यू। तो कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।